हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा। मैं अयान को डांस एकेडमी ले जा रही थी तो रोड पे देखा बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जाम क्यों लगा हुआ है। और जब मैं नीचे जैसे थोड़ा पहुंची तो मैंने देखा एक बैल पड़ा हुआ था और उसको उठा रहे थे। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया, फिर मैंने एक भैया से पूछा कि इस बैल को क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि किसी गाड़ी वाले ने रात को इसको टक्कर मार दी थी और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिस कारण ये रात से वहीं पड़ा हुआ था और अब इसको उठा के ले जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ सुन के कि लोगों को इतनी जल्दी क्यों पड़ी होती है। अगर 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो आग तो नहीं लग जाएगी ना। किसी बेजुबान, अगर ये बेजुबान है, बोल नहीं पाता है, तो कम से कम इसका दर्द भी तो देखो। और अब गाड़ी आराम से चलाए। मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ गाड़ी आराम से चलाए और ध्यान से चलाए। इस बैल की जो हालत है वो प्लीज़ गाड़ी देख के चलाए और स्लो चलाए। गाड़ी वाला तो इसको टक्कर मार के चला गया, पर जो इस बैल की हालत है वो इस बात बैल को ही पता होगी। इतना देख के दुख हो रहा था और इस बैल का इतना भारी शरीर था, ना इसको उठा पा रहे थे ढंग से, ना इससे खड़ा होया जाता है, ना ये उठ पा रहा है, ना ये बैठ पा रहा है ढंग से। इस बेचारे की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है। ये बेचारे बेजुबान हैं, अपना दुख बता नहीं पाते, किसी को बता नहीं सकते। तो हम लोगों का फर्ज है कि हम इनकी रक्षा करें। रात भर से बैल वहीं पड़ा हुआ था, ना वो उठ पा रहे, ना वो चल पा रहे। मैं तो भगवान से ये प्रे करती हूँ कि इस बैल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। Thank you.